डॉग्स की लॉयलिटी और सिक्योरिटी की वजह से इन्हें पालतू जानवरों में सबसे बेस्ट माना जाता है। कुछ डॉग्स इतने ज्यादा वफादार होते हैं कि वो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल करीब 25,000 से लेकर 60,000 लोग वर्ल्ड वाइड रेबीज की वजह से मारे जाते हैं। रेबीज बेसिकली कुत्तों के काटने की वजह से ही होता है, और अगर रेबीज ब्रेन तक पहुंच गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। 99% चांस है कि वो इंसान मर जाएगा। डॉग सबसे डेडलीस्ट एनिमल में तीसरे नंबर पर आता है। सुनकर थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन दुनिया के सबसे डेडलीस्ट एनिमल की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है मॉस्किटो यानी मच्छर, दूसरे नंबर पर है सांप और तीसरे नंबर पर है डॉग्स। ज्यादातर डॉग्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव टाइप के होते हैं, लेकिन अपने मालिक के लिए ये लॉयल भी होते हैं। आए दिन खबर मिलती रहती है कि डॉग ने एक इंसान को मार डाला या फिर अपने मालिक को ही मार डाला। डॉग्स जितने ज्यादा क्यूट और लॉयल होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही डॉग्स के बारे में जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स की लिस्ट में गिना जाता है। नंबर 6, साइबेरियन हॉगीज। ये कुत्ते बिल्कुल एक वोल्फ यानी भेड़िए की तरह दिखाई देते हैं और एक जंगली जानवर की तरह बिहेव भी करते हैं। हॉगीज को अक्सर स्लेड डॉग्स की तरह कनाडा और यूएसए जैसे ठंडे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। इनका वजन लगभग 60 पाउंड तक होता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एनिमल में से एक है। वैसे तो ये ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लेकिन ये बच्चों और कुछ लोगों के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। इन डॉग्स की लाइफ स्पैन करीब 12 से 14 साल तक की होती है और ये काफी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं। इनके पूर्वज भी साइबेरिया जैसे ठंडे और हार्श एनवायरनमेंट में रहते थे, यही कारण है कि इन कुत्तों को ज्यादातर स्लेड पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, बुल मास्टिफ। ये डॉग्स काफी ज्यादा बड़े, स्ट्रॉन्ग और खूंखार नजर आते हैं, इसी वजह से लोग इसे एज अ पेट काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इसे पालते हैं तो ये आपको और आपके घर को काफी शांति से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इस कुत्ते की शक्ल को देखकर ही आपके पड़ोसियों का सिस्टम हैंग हो सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े और खूंखार होते हैं कि इनसे कोई भी डर जाएगा। इन डॉग्स को 19th सेंचुरी में एज अ गार्ड डॉग इस्तेमाल किया जाता था। इनका वजन करीब 50 से 60 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी लाइफ स्पैन करीब 8 से 12 साल तक की हो सकती है। ये ज्यादा खूंखार ना हो इसके लिए आपको जब ये छोटे हों तभी से ध्यान रखना होगा। हालांकि ये उतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं होते जितना शक्ल से लगते हैं। नंबर 4, अमेरिकन बुलडॉग। ये डॉग्स भी काफी ज्यादा बड़े और मस्कुलर नजर आते हैं। इनके एंसेस्टर्स को घरों और फार्म्स में एज अ गार्ड इस्तेमाल किया जाता था और आज भी इन्हें इसी काम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये एक पेट डॉग के साथ साथ एक हंटर डॉग भी हो सकते हैं, यही कारण है कि साउथ अमेरिका में इसे क्रेजियस केनाइन वॉरियर का प्राइज दिया गया है। ये डॉग्स अपने ओनर के लिए काफी ज्यादा वफादार होते हैं, वो इन्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इसके साथ ही इनकी बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा होती है और ये काफी ऊपर तक जंप कर सकते हैं। इनका वजन करीब 34 से 52 किलोग्राम के बीच होता है और इनकी लाइफ स्पैन करीब 10 से 15 साल के बीच होती है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। मीडियम लार्ज साइज के ये डॉग जर्मनी में पाए जाते हैं। इन कुत्तों को कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डिसेबिलिटी असिस्टेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, पुलिस वर्क और वॉरफेयर में भी। जर्मन शेफर्ड एज अ वर्किंग डॉग के यूज के लिए पॉपुलर है। इन्हें ट्रेन करना काफी ज्यादा आसान होता है और ये बताई गई इंस्ट्रक्शन को काफी अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हैं। इन्हें अक्सर पुलिस इस्तेमाल करती है। ये क्रिमिनल्स को ट्रैक करने से लेकर कई चीजों को डिटेक्ट करके ढूंढ लेते हैं। न सिर्फ पुलिस बल्कि मिलिट्री में भी हजारों जर्मन शेफर्ड को यूज किया जाता है। मिलिट्री में इन डॉग्स को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इनका इस्तेमाल मैसेंजर डॉग, रेस्क्यू डॉग्स और पर्सनल गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, पावरफुल और डेंजरस होते हैं और दूसरे लोगों पर घातक हमला करते हैं। इनका वजन करीब 30 से 40 किलोग्राम होता है और इनकी हाइट लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नंबर 2, रॉटवीलर। इन डॉग्स को दूसरा सबसे खतरनाक डॉग माना जाता है। ये डॉग्स भी ज्यादातर जर्मनी में ही पाए जाते हैं। जर्मन शेफर्ड की तरह इनका भी इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स, गार्ड डॉग्स और पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इनकी बॉडी का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। अपने ओनर के लिए ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। ये डॉग्स प्रोटेक्टिव, पावरफुल और लॉयल होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों पर जब ये हमला करते हैं तो बहुत डेंजरस नजर आते हैं और काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इनका वेट 50 से 60 किलोग्राम तक होता है और इनकी लाइफ स्पैन 8 से 10 साल तक की हो सकती है। नंबर 1, पिटबुल। इस डॉग को दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें इसी के काटने की वजह से होती हैं। ये डॉग ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं और इन्हें हंटिंग डॉग्स और फाइटिंग डॉग्स के नाम से जाना
माना जाता है। इनकी बॉडी का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और मजबूत जबड़े के साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक हमला करते हैं। इंसान हो या कोई और जानवर, पिटबुल से भिड़ने की कोई ताकत नहीं रखता। हालांकि इसके बाद भी पिटबुल को लोग एज अ पेट डॉग इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड में पिटबुल की कुछ नस्लों पर बैन लगा दिया गया है। सेम कानून आयरिश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लगाया गया है और जर्मनी में भी इसे खरीदना इल्लीगल है। कुछ जगहों पर ऐसा रूल है कि आप इसे एज अ पेट डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी कई जगहों पर लोग इसे पेट डॉग की तरह इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत